स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में, एक तो ये टॉपिक और एक श्रोडिंगर इक्वेशन, अगर हम इनको निकाल दें तो क्वांटम मैकेनिक्स बचेगी नहीं। यानी पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर इक्वेशन और इस प्रिंसिपल पे डिपेंड है। डियर स्टूडेंट, आज थोड़ा तबीयत डाउन है तो ध्यान से सुनिएगा, तेज बोल नहीं पाऊंगा। ओके, इस टॉपिक की एक एक लाइन हमने समझनी है। इम्पोर्टेंट तो है ही, ये समझ में भी कम आता है बच्चे को, ठीक है? तो एक एक लाइन हम समझते हुए चलेंगे। स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स इज कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक। ये जो वर्ड है डिटर्मिनिस्टिक, इट मीन्स यू आर वेरी श्योर। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन चाहें वो आपको मिलेगी, और आप जितना चाहें उतने प्रिसीजन के साथ मिलेगी, उतनी एक्यूरेट मिलेगी। यानी यू कैन से या यू कैन स्टेट एनीथिंग विद ए गारंटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स। एग्जाम्पल के लिए या इस लाइन को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। मैं इस तरफ जो भी करूँगा वो सब समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है, ठीक है? सो स्टूडेंट, सपोज एक पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में है, दिस इज एज एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल का मास मैंने एक किलोग्राम मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी मैंने जीरो मान ली, एक्सेलरेशन मैंने 2 m/s² मान लिया। कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है वो अब इस एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 5 सेकंड के बाद वो पार्टिकल कहाँ होगा। यानी आई हैव गिवन यू टाइम टी इज 5 सेकंड, वेयर विल बी द पार्टिकल। तो आप यूज करेंगे एक्स इक्वल्स यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, आप ये यूज करेंगे पहले बच्चों। सो स्टूडेंट, यू इज जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू हाफ, ए मैंने लिया है 2, टी हमें मिला है 5 का स्क्वायर 25, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इट इज 25 m। आफ्टर 5 सेकेंड जो आपका क्लासिकल पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू 25 m पे होगा। 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप अप्लाई करेंगे v इक्वल टू प्लस 80। बोलिए अप्लाई करेंगे कि नहीं? इसका मोमेंटम क्या होगा, आप इसको मास की, इसके मास की वेलोसिटी से गुणा कर देंगे, यू विल गेट मोमेंटम। व्हाट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम स्क्वायर। हर एक चीज आपके पास आएगी। कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है आप उस पार्टिकल के बारे में, सिस्टम के बारे में जो आपसे पूछा जाए वो सब बता सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशन आपको दी गई हो। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिकल शुरुआत में x बराबर 0 पे है, मास इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, टाइम इतना है, ये चीजें अगर कोई भी आपको देगा तो बाकी चीजें आप बता सकते हैं। समझ गए मेरी बात? और एक्यूरेटली बता सकते हैं। आपने, आपको मैंने कहा कि ये डेटा है, आप एग्जैक्टली बताएंगे सर x बराबर 25 m पे पार्टिकल है, एंड यू आर श्योर, यू आर गारंटेड। ओके, दिस इज द डिटर्मिनिस्टिक नेचर।
जो मैंने यहां लिखा है। नाउ स्टूडेंट, इन क्वांटम मैकेनिक्स ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव ग्रुप, सो इट कैन नॉट बी लोकलाइज्ड। प्यारे बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल वर लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड मींस आप यहां बैठे हैं, यू आर एट द फर्स्ट डेस्क, इट इज लोकलाइज्ड, यानी आपकी लोकेशन क्या आई नो। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल ऐसा नहीं होता जैसे कि चोक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में चोक चोक है, क्वांटम मैकेनिक्स में चोक चोक नहीं है, ये एक वेव ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी ये इट इज ए ग्रुप ऑफ वेव्स, आप ऐसा कह सकते हैं। और वेव के साथ एक समस्या होती है, वो क्या प्रॉब्लम होती है वो देखिए। देखिए मैं एक आम वेव की बात कर रहा हूं, मैं इसके साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं जनरली डेली लाइफ की जो वेव है मैं उसकी बात करता हूं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके पास एक रस्सी है, रस्सी को हमने बांधा हुआ है, उस रस्सी को हम जब जर्क करेंगे ऐसे अप डाउन करेंगे तो वी विल गेट ए वेव, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये एक्स इजिकल टू जीरो ये रस्सी है एंड दिस इज ए वेव, से दिस एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। वेव के साथ प्रॉब्लम क्या वो सुनो। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ वेव कहाँ है, आप बोलेंगे सर इनके बीच है। वेव के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि सर एक्स बराबर 25 मीटर, आपको एक रेंज बतानी पड़ेगी। आप कहेंगे सर ये वेव है 8 मीटर से और 10 मीटर के बीच, 8 मीटर से 10 मीटर के बीच, क्या आप कह सकते हैं सर ये तो 7 पे है, 5 पे है, 9 पे है, ऐसा नहीं कह सकते। वेव कैनॉट बी लोकलाइज्ड, तो वेव के साथ ये प्रॉब्लम है। और ये क्लासिकल वेव है, हमने एक रस्सी पे वेव बनाई उसका उसकी हम बात करते हैं। मैं कहता हूँ भाई काम करो कि ये जो वेव है ना इसका वेवलेंथ बताओ, आप कहेंगे सर इसका वेवलेंथ इतना है, ठीक है अच्छी बात है। मैं कहूँगा इसकी पोजीशन बताओ, पोजीशन के बारे में आप कहेंगे सर देखो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम ये कह सकते हैं कि जी 8 और 10 के बीच, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक। मैं कहूँगा नहीं यार कोशिश करो एग्जैक्ट बताओ, आप कहेंगे सर हम एक नई वेव बनाते हैं, ऐसी वेव बनाते हैं जिसमें हम बता सकें, ठीक है बना लो। आपने एक नई वेव बनाई, आपने कोशिश की कि एक ऐसी वेव बनाई जाए जिसकी पोजीशन हमें पता लग जाए, आपने किए वेव बनाई, वेव का एक छोटा सा हिस्सा बनाया। अब आप ये कहेंगे सर ये है ना ये 8.2 से 8.4 के बीच है, इससे तो फिर भी ठीक है, ये 2 मीटर का इसमें गड़बड़ है, 8 और 10 मीटर के बीच में है। यहां कह रहे हैं सर 8.2 से 8.4 के बीच है, एग्जैक्ट तो अब भी नहीं बता सकते कि कहां है, लेकिन आपने उसको नैरो कर दिया उसकी पोजीशन को, तो यहां जो अनसर्टेनिटी थी उसकी पोजीशन में आपने उसको कम कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों यहां एक प्रॉब्लम हो गई, अब मैं तुमसे कहूंगा वेवलेंथ बताओ, आप कहेंगे सर देखो अब वेवलेंथ नहीं बता सकते, वेव तो पूरी नहीं बनी, वेवलेंथ कैसे बनाए, ठीक है। तो यानी कि आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना पड़ेगा कि अगर आप पोजीशन ठीक ठाक बता रहे हैं तो वेवलेंथ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सर वेवलेंथ नहीं बता सकते ठीक ठाक,
और अगर आप वेवलेंथ ठीक बता रहे हैं तो फिर उसका पोजिशन ठीक ठाक नहीं बता सकते, समझ गए बात। ये मैंने बात की है जो रस्सी पे जो वेव बनती है उसकी, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो एक पार्टिकल है इट इज गिवन बाय ए वेव पैकेट और वेव ग्रुप। तो जब इस वेव का ये गुण है कि आप उस वेव का वेवलेंथ और पोजिशन एक साथ ठीक ठाक नहीं नाप सकते, अगर एक चीज़ नापोगे दूसरे में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ ठीक नापोगे पहले में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर इन वेव्स में ये गुण है तो इनमें भी होगा भाई। यानी क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्टिकल है जो कि एक वेव द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें भी ये प्रॉब्लम होगी, और यही प्रॉब्लम ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। वहाँ पोजिशन और वेवलेंथ एक साथ नहीं बन रहा ना, एक चीज़ करोगे दूसरे में गड़बड़ होता है, दूसरी करोगे पहली में गड़बड़ होता है, वही बात इसके साथ भी है, क्योंकि ये भी क्या है कि वेव। सर डी ब्रोय ने कहा लैम्डा इज एच बाय एमवी, यानी एवरी मूविंग पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक ए वेव, इफ द पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक ए वेव देन द वेव मस्ट बिहेव लाइक दिस। ओके स्टूडेंट, सेकेंड लाइन जो मैंने लिखी थोड़ा आइडिया है उससे, थोड़ा समझ में आया कि पार्टिकल एक वेव ग्रुप से रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, वो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सो इफ वी लोकलाइज मीन्स एग्जैक्ट पोजिशन बताना, इफ वी डू नॉट एग्जैक्टली नो द पोजिशन ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल वी cannot predict its future। इस लाइन का मतलब समझिए, अगर हमें क्वांटम पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजिशन ही नहीं पता तो हम उसका भविष्य नहीं बता सकते। मतलब ये है कि मैंने आपको ये एक दो तीन चार और एक पाँच, पांच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था कि पार्टिकल x बराबर जीरो पे है, शुरू में मास 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 5 सेकंड है। मुझे ये बताओ 5 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ होगा। तुमने ये इक्वेशन लगाई और तुमने उसका भविष्य बताया कि सर 5 सेकंड बाद ये यहाँ होगा। अगर मैं तुमसे 3 सेकंड देता हूँ तो तुम उसका भी बता दोगे, 10 सेकंड देता हूँ तुम उसका भी बता दोगे, यानी तुम उस पार्टिकल का भविष्य बता सकते हो। लेकिन अगर मैं शुरू में ये कह दूँ भाई पार्टिकल इसके बीच में कहीं है, मुझे नहीं पता पार्टिकल शुरू में कहाँ है, तो प्यारे बच्चों तुम कहेंगे सर हम इसका फिर फ्यूचर भी नहीं बता सकते। या तो आप हमें एग्जैक्टली बताइए एक्स क्या है टी बराबर जीरो पे। अगर मैं कहूँ कि भाई एक्स है 0 और 2 मीटर के कहीं भी बीच में, तो तुम्हारा उत्तर फिर ऐसे नहीं आएगा, तुम्हारा उत्तर भी आएगा सर 25 और 27 के बीच में कहीं पार्टिकल है। जब तक इनिशियल कंडीशंस आपकी श्योर नहीं होगी आप उसका फ्यूचर भी नहीं बता सकते। इस लाइन का मतलब ये है, क्लियर बच्चों? तीनों लाइनें समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर एंड हाइजेनबर्ग द प्रोबेबिलिस्टिक व्यू इज द फंडामेंटल वन
इन क्वांटम फिजिक्स एंड डिटरमिनिज्म मस्ट बी डिस्कार्डेड। बड़ी अच्छी लाइन है। बोहर और हाइजेनबर्ग कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिस्टिक व्यू है वो फंडामेंटल है क्वांटम मैकेनिक्स में। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप बिल्कुल भी उस किसी भी सिस्टम के पार्टिकल के बारे में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल या कोई भी क्वांटम पार्टिकल के बारे में यू कैनॉट बी श्योर। वहां प्रोबेबिलिस्टिक व्यू ही चलेगा, यानी आप बता सकते हैं सर इतने परसेंट चांस है कि ये पार्टिकल यहां होगा, इतने परसेंट चांस कि पार्टिकल यहां होगा, और ये क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल रूल है, यानी ये उसके हार्ट में है। इसका मतलब ये मत समझिए कि हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट में कमी है कि वो नाप नहीं सकता है। इंस्ट्रूमेंट ठीक है, नाप सकते हैं, जितने मर्जी चाहो उतने हाईली प्रिसिशन के इंस्ट्रूमेंट आप लगा लीजिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के नेचर में ही ऐसा है, यानी हमारी जो प्रकृति है उसने बनाया ही ऐसा है इस छोटे पार्टिकल को कि भाई आप किसी भी चीज़ के बारे में उसके में श्योर हो ही नहीं सकते। उसके बेसिक, उसके अंदर एक रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में श्योर नहीं हो सकते, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक चुटकुले से समझाऊंगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, एक अंडा बेचने वाला था, ठीक है, तो सड़क के किनारे उसने अंडे रखे हुए थे। एक पुलिसमैन आता है तो पुलिसमैन को आता देख उस अंडे वाले ने सोचे तेरे से तीन चार अंडे मांग लेगा, उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। अब पुलिस वाला आता है, डंडा उठाता है, उस पर मारता है, अरे क्या है इसमें। वो कहता सर एक बार और मार दो फिर कुछ भी नहीं है। ये जोक में हमारा ये लाइन छुपा हुआ है। प्यारे बच्चों आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कैसा कलर का टी शर्ट पहना है, कैसे कलर का पैंट पहना है, यू कैन ऑब्जर्व मी, ठीक, एंड आई कैन ऑब्जर्व यू, बट मुझे ऑब्जर्व करने के लिए आपको लाइट की जरूरत पड़ रही है। सनलाइट यहां पे है, आप मुझे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लाइट के फोटॉन्स मेरे पे टकराते हैं, टकरा के आपके पास जाते हैं, आपकी आंखों में वो गए तो आपने मेरे को ऑब्जर्व किया। अगर हम यही क्लास रात में यहां लगाएं और लाइट चली जाए तो आप मुझे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाइट आएगी तो आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन उस लाइट के आने से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोटॉन्स मेरे से टकरा रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं, लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा फोटोन टकराने से। अभी भी कितने अरबों खरबों प्रोटोन मेरे से टकरा रहे हैं, फोटोन मेरे से टकरा रहे हैं, क्या कोई फर्क पड़ रहा है मेरे ऊपर? नो, बिकॉज आई एम ए क्लासिकल पार्टिकल। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में वो चुटकुले वाली बात है, वो जो सिपाही होते हैं वो उस डंडे को उस पर क्यों मारते हैं, टू ऑब्जर्व कि इसमें क्या है, उसका एक तरीका है ऑब्जर्व करने का, अरे इसमें क्या है, और उसकी ऑब्जर्वेशन ने उस सिस्टम को बदल दिया। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वांटम फिजिक्स में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, जो उस पार्टिकल को मेजर करने के लिए, जो उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए हमने सेटअप लगाया है, वो सेटअप क्वांटम पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देता है। और ऐसा आज तक कोई भी सेटअप नहीं बना है जो उस क्वांटम पार्टिकल को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि मैं एक क्वांटम पार्टिकल हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डियर स्टूडेंट जब लाइट आएगी मेरे ऊपर पड़ेगी आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे। अभी तो आप कह सकते हैं सर आप बोर्ड पे ना जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन इसके बीच में है, यहां से इतना सेंटीमीटर दूर है, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं क्वांटम पार्टिकल हूं, आई एम संजू फिजिक्स इज ए क्वांटम पार्टिकल एंड फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग ऑन मी एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व,
मी विद द हेल्प ऑफ दैट फोटोन्स। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ भी दिखूंगा, मैं आपको यहाँ भी दिखूंगा, मैं आपको यहाँ भी दिखूंगा, यू आर नॉट श्योर, इज इट क्लियर? समझ में आया? तो डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन सिस्टम को चेंज नहीं करता। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिस्टर्ब कर देता है किसको? क्वांटम पार्टिकल को, उसकी स्टेट को। ठीक है स्टूडेंट? इसलिए वो क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिस्टिक व्यू फंडामेंटल है, यानी आप इसको दूर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? आपको प्रोबेबिलिटी की टर्म में ही बात करनी पड़ेगी कि पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी, यहाँ इतनी है, है कहाँ हमें नहीं पता। ठीक है, इसमें थोड़ा समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है। ये हमारा वेव ग्रुप है, ठीक है, यहां तक। यहां पार्टिकल के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, साइज स्क्वायर इज मैक्सिमम, यानी आपको पार्टिकल कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, लेकिन गारंटी यही मिलेगा? गारंटी नहीं है भाई, चांसेस है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले जी फिजिक्स वाले टीचर के पास जाना है, आपका पहला जवाब क्या होगा? डिपार्टमेंट में जाइए, क्योंकि मैं मोस्टली डिपार्टमेंट में ही रहता हूं। लेकिन कोई ये कि क्या शोर है आप? बिल्कुल शोर है। अब कभी कभी हम भाई ऑफिस में भी जाते हैं, लेकिन ऑफिस में मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जीरो तो नहीं है। डिपार्टमेंट में रहने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन वन नहीं है। अब शाम को कोई 6 बजे आके और फिजिक्स वाले टीचर को ढूंढेगा डिपार्टमेंट में, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ रहा मेरी बात? मैक्सिमम वहां है बट वन नहीं है। ठीक है, तो पार्टिकल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां होने के चांस कम है, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये बनाया है एक रस्सी पे जो वेव बनी है उसके लिए। अब हम क्वांटम पार्टिकल के लिए डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे एक नैरो वेव ग्रुप है। इस वेव ग्रुप में जो डेल्टा एक्स है, यानी पार्टिकल इसके और इसके बीच में कहीं है, यहां उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो डेल्टा एक्स इज वेल डिफाइंड। यहां पर डेल्टा एक्स ज्यादा है, प्यारे बच्चों देखो पार्टिकल यहां इन दोनों के बीच में कहीं होगा, यहां इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो यहां डेल्टा एक्स को मैं वेल डिफाइंड कह सकता हूं। देखिए यहां वेल डिफाइंड का मतलब एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, ये भी ध्यान रहे कि सर ये रहा पार्टिकल, नो, इट्स जस्ट वेल डिफाइंड, यानी इसमें अनसर्टेनिटी थोड़ा कम है। ये बात मैं लिख देता हूं, लेस अनसर्टेनिटी। इसमें डेल्टा एक्स इज इल डिफाइंड। इल डिफाइंड मीन्स ज्यादा बढ़िया से हमने इसको डिफाइन नहीं किया। तो प्यारे बच्चों डेल्टा एक्स इज वेल डिफाइंड, बट उसी के साथ जो वेवलेंथ है इट इज इल डिफाइंड। वेवलेंथ नहीं बता सकता मैं इसका, क्योंकि इतनी वेव ही नहीं बना रखी कि वेवलेंथ मैं बता सकूं, तो यहां वेवलेंथ के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, या कह सकते हैं लार्ज अनसर्टेनिटी। इसके केस में ये तो ठीक है, डेल्टा एक्स इज इल डिफाइंड, लेकिन वेवलेंथ यहां पे हम ठीक डिफाइन कर पा रहे हैं। यस, हियर इज लैम्डा, सो लैम्डा इज
वेल डिफाइंड। ये मैं वेव पैकेट बनाया है, ये वो रस्सी वाली वेव नहीं पे रहे बच्चों, ये वेव पैकेट है क्वांटम पार्टिकल का, और लैम्डा इज इक्वल टू पे रहे बच्चों एच बाई पी, तो पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो जो बात मैंने यहां लैम्डा के लिए बोली है कि लैम्डा इज इलडिफाइंड, इट इंप्लाइज पी इज इलडिफाइंड। तो अब आप लैम्डा की बात मत करिए, अब आप ये बात करिए कि अगर आपने डेल्टा एक्स यानी पोजीशन को वेल डिफाइंड किया तो मोमेंटम इलडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने लैम्डा को वेल डिफाइंड किया, लैम्डा वेल डिफाइंड का मतलब है पी इज वेल डिफाइंड, तो फिर डेल्टा एक्स इलडिफाइंड हो जाता है। सो स्टूडेंट, अगर मोमेंटम को अच्छे से डिफाइन करेंगे तो पोजीशन में गड़बड़ होगा, पोजीशन को अच्छे से डिफाइन करेंगे मोमेंटम में गड़बड़ होगा। इज इट क्लियर? उसके केस में मैं मोमेंटम नहीं कह सकता हूं, उसके केस में तो मेरे को वेवलेंथ और पोजीशन ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लैम्डा बराबर एच ओवर पी नहीं होता, यहां होता है। समझ में आ गया? यहां डस्टर कहां है? सो स्टूडेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक मैं रफ स्टेटमेंट लिखता हूं। इट इज इम्पॉसिबल टू नो बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। यह हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बच्चों एक रफ स्टेटमेंट लिखी है, एग्जैक्ट नहीं है, एक रफ आइडिया है कि पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हम प्रसाइज होते हैं। अब इस अगली जो स्टेटमेंट है मेरी वो थोड़ी और स्पेसिफिक हुई है, ये है इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम of a particle is measured with an uncertainty delta px, then the uncertainty in x is given by delta x is h line by 2 delta px, where h line is h by 2 pi। ये इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। इस स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि अगर आपके पास लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है उसमें इतनी अनसर्टेनिटी है तो एक्स में इतनी अनसर्टेनिटी होगी या इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम यहाँ इनइक्वालिटी का निशान यूज करें, यानी आपका जो डेल्टा एक्स है उसमें इतनी अनसर्टेनिटी तो होगी ही होगी, आप इसे जीरो नहीं कर सकते। ठीक है,
तो इसको हम इधर ले आएंगे, ये आपके पास आएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच लाइन बाई टू, या आप इसको एच बाई फोर पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको नोट कर लीजिए, अरे शुरू करो। देखिए स्टूडेंट, ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच लाइन बाई टू है, ये और डायरेक्शंस के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। मीन्स डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच लाइन बाई टू, डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड। और यहां एक और बात का ध्यान रहे, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट मोमेंटम पता करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है साइमल्टेनियस मेजरमेंट करने में। यानी डेल्टा एक्स आप जीरो कर सकते हैं, डेल्टा एक्स जीरो करने का मीनिंग है कि एक्स में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। आप क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह कह सकते हैं, सर ये रहा पार्टिकल, ढूंढ लिया। लेकिन उसी समय अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द मोमेंटम, तो मोमेंटम के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी इनफाइनाइट। एक और बात यहां हमारे नोट करने की है कि डेल्टा वाई और डेल्टा पी एक्स या डेल्टा पी जेड, इसको आप साइमल्टेनियसली नाप सकते हैं, इसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब डेल्टा वाई के साथ डेल्टा पी वाई आप मेजर करते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। इनको साइमल्टेनियसली आप नहीं मेजर कर सकते विद इन्फाइनाइट प्रिसीजन विद श्योरिटी, आप इन दोनों को एक साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आगे ये भी बताता है कि खाली ये पोजीशन और मोमेंटम के लिए ही नहीं है, ये हर उस क्वांटिटी के लिए है जिसका डायमेंशन एक्शन का है। यानी जो कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटीज हैं, कैनोनिकली कंजुगेट मींस जैसे बच्चों एनर्जी और टाइम है, ये इसके लिए भी होगा। ये कैनोनिकली कंजुगेट मींस इनका इसका यूनिट आपका जूल सेकंड मिलेगा, जो एनर्जी की और टाइम की जो प्रोडक्ट होती है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इसे हम कहते हैं बच्चों एक्शन। आप अगर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखेंगे तो वो भी एक्शन का ही आएगा, एनर्जी और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपने देखा बच्चों एमएल टू टी माइनस टू होता है, टाइम का टी होता है, तो एनर्जी और टाइम का हो गया एम एल टी माइन एल टू टी माइनस वन। आप इस पर देख लीजिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला, दिस इज एल, मोमेंटम का क्या होता है बच्चों एम एल टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। तो जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला ये है, दो क्वांटिटीज का, दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, उसके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, एक और है इसमें, डेल्टा जे एंड डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच लाइन बाई टू। यहाँ डेल्टा जे है डियर स्टूडेंट अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम, और डेल्टा थीटा है अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप देखेंगे, अगेन यू विल गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्शन। और ऐसी क्वांटिटीज जिनके प्रोडक्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्शन का आता है, उसे हम कहते हैं बच्चों कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज आवर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसको नोट कर लीजिए, थैंक यू।